सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को प्रदेश में रिलॉन्च किया। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 100 मिली प्रतिदिन की दर से सप्ताह में 4 दिन विटामिन ए एवं डी फोर्टिफाइड फ्लेवर युक्त दूध उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की शुरुआत के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड के कारण जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ, ऐसे में सरकार के कार्य और योजनाओं को प्रभावित होना लाजमी है। अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए आंचल अमृत योजना के संचालन हेतु 18 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 7 मार्च 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना को शुरू किया था, लेकिन कोरोना काल में मार्च 2020 के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाने के कारण योजना बंद कर दिया गया था। इस योजना के तहत योजना के द्वारा दिए जाने वाला दुग्ध चूर्ण के रूप में उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन द्वारा तैयार किया जाता है तथा 3.70 प्रति ग्राम की दर से आंगनबाड़ी केंद्रों तक उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराए गए दूध चूर्ण के साथ प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर और 10 ग्राम माप वाली चम्मच भी प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार प्रति बच्चा 10 ग्राम चूर्ण को 10 ml गुनगुने पानी में घोलकर दूध तैयार कर बच्चों को देगी। योजना के अंतर्गत लगभग 1.70 लाख लाभार्थी बच्चों को प्रतिमा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। हर प्रकार से धूप छांव से बचाने का काम करता है माँ का आंचल, माँ की ममता, उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसी प्रकार से ये आंचल योजना भी हमारे उन बच्चों के पोषण में हर प्रकार से सहायक होगी, हर प्रकार के उन तत्वों को उन बच्चों तक पहुंचाने का काम करेगी। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। बीच में जैसा मंत्री जी ने, रेखा जी ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में पूरे देश के अंदर संकट आया, हमारे प्रदेश के अंदर भी महामारी चरम पर थी। उसके कारण से सारे, चाहे सरकार के कामकाज हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र के कामकाज हो या कोई सामान्य क्षेत्र के हो, देखिए मुख्यमंत्री आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट पुष्ट बनेंगे, उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे।